नमस्कार, फैमिली फूड अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ठंडई। उसके लिए हमें चाहिए इलायची, बादाम, किशमिश और सौंफ। इन चारों को आप एक कटोरी में बाउल में रख के आप इसको 6 से 7 घंटे भिगो लीजिएगा। ये देखिए, मैंने एक कटोरी में सारी सामग्रियाँ इसी में भिगो दी हैं। बादाम, सौंफ, किशमिश, छोटी इलायची को इसको 6 से 7 घंटे ऐसे भिगो दीजिएगा। अब इसको हम अच्छी तरीके से ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए, इसको हम व्रत में भी यूज कर सकते हैं, व्रत में भी पीने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, हमारी सामग्री पीसकर तैयार हो गई है। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने इसको पतला घोल बना लिया है। अब आप एक बर्तन में इसको डाल लीजिए। देखिए, मैंने इसको छाना नहीं है, आप भी छानिएगा नहीं। छानने पे और ज़्यादा टेस्टी वो नहीं लगता है। एक बार आप इस तरह ठंडाई बना के देखिएगा। इसमें डालेंगे दूध। इसको हम दूध को अच्छी तरीके से मिक्सचर से मिला लेंगे। ये देखिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए, हमारी ठंडाई इतनी जल्दी तैयार हो गई। अपने गिलास में पलट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब। कि मैंने 2 आइस क्यूब डाला है। आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, मैंने आइस क्यूब डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स सजाने के लिए। देखिए, आप इसमें केसर, पिस्ता, ये सब भी आप डाल सकती हैं। ये देखिए, हमारा ठंडाई बनकर तैयार हो गया। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए, हमारा ठंडाई तैयार हो गया है। अब आप इसको व्रत में और सामान्य दिनों में भी पी सकते हैं। आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो इसे आप तो झटपट ही तैयार भी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा ठंडाई तैयार है। आप इसको एक बार ज़रूर बना के ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।